नमस्कार, वर्ल्ड ज्योग्राफी के सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं विनय सिंह और इस सीरीज में आज साउथ वेस्ट एशिया की बात करेंगे, जिसमें आपसे कुछ प्रश्न भी पूछ लेंगे और आपको डिटेल्स में बताएंगे कि कौन सा कहां पर है इलाका। आपको पता है कि रूस के अलावा कौन सा देश दो कॉन्टिनेंट में है? आप जानते हैं कि विश्व का सबसे सॉल्टीएस्ट लेक कौन है? गल्फ ऑफ पर्सिया के किनारे कौन कौन से देश हैं? गल्फ स्ट्रेट जो है वो किस किस के किनारे हैं? रेड सी को रेड सी क्यों कहते हैं? रेड सी को मेडिटेरियन सी से कौन सा स्ट्रेट मिलाती है या कौन सा कैनल मिलाता है? इजराइल और फिलिस्तीन कहाँ पर है? सऊदी अरब में कौन कौन से डेजर्ट हैं? ईरान इराक में कौन से डेजर्ट हैं? दजला फुरात यानी कि टिग्रिस और यूफ्रेट नदी कैसे वहाँ पर सभ्यता का विकास हो गया? और भी कौन कौन से झील पश्चिमी एशिया में है? पश्चिमी एशिया में तेल का भंडार कैसे आया? इतना ज़्यादा तेल सऊदी अरब कुवैत ईरान इराक में ही क्यों है, दूसरे इलाके में क्यों नहीं है? सभी चीज़ों पर आज उत्तर देंगे। तो आपके साथ चलिए, आपके साथ हम जुड़ जाते हैं। आप ध्यान से इस नक्शे को देखिए। तो देखिए आप मैप में, ये साउथ वेस्ट एशिया का मैप है। हमने साउथ ईस्ट एशिया का अलग से वीडियो भेज रखा है आपको। और देखिए ये एशिया में साउथ और वेस्ट, आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो वेस्ट है, तो साउथ वेस्ट एशिया हो गया। ये वाला जो इलाका दिख रहा है इसको मेडिटेरियन सी बोलते हैं। इसके राइट ये वाला अफ्रीका है, जो कुछ पोर्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये है रेड सी, लाल सागर, और ये है ब्लैक सी, ये है कैस्पियन सी। ये पूरा से नीचे के अलग अलग जो कलर दिख रहा है आपको, ये वेस्ट एशिया का मैप है, जिसको साउथ वेस्ट एशिया भी कहते हैं। इसमें कौन कौन से देश हैं हम जल्दी से आपको बता देते हैं। टर्की है, इराक ईरान सऊदी अरब यमेन ओमान, ये सारा इलाका है। इसके साथ में यहाँ पर इजराइल फिलिस्तीन तो अभी देश नहीं है, इजराइल जॉर्डन साइप्रस, साइप्रस भी आता है इसमें, लेबनान भी यहाँ पर छोटा सा देश है लेबनान, ये सारे देश आते हैं। अब आपको देखिए ये जो रेड सी है ना, ये वाला, ये रेड सी को रेड सी बोलते हैं रेड एल्गे के चलते, मैंने लाल रंग का शैवाल है इसलिए इसको रेड सी बोला जाता है। और ये वाला जो दिख रहा है ना ब्लैक सी, इसको काला सागर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर चेरनो जम नाम का मिट्टी होता है, वो ब्लैक सॉइल है, उसके नाम के चलते इसको ब्लैक सी ही बोलते हैं। तो हम एक एक करके डिटेल्स में बताएंगे कि ये टर्की है। टर्की जो है ना, इसका कुछ पोर्शन यूरोप में भी है और मैक्सिमम एशिया में है, मतलब ये भी दो कॉन्टिनेंट पर है। इसलिए टर्की लेकिन विकास नहीं कर पाया, इसलिए इसको सिकमैन ऑफ यूरोप कहते हैं, मतलब ये विकसित नहीं हुआ है, यूरोप का बीमार देश। ब्लैक सी है और ये मेडिटेरियन सी है। ब्लैक सी को मेडिटेरियन सी से मिलाने के लिए यहाँ पर सी ऑफ मारमरा है और डार्डेनेस स्ट्रेट है इस जगह पर, तो ये दोनों, और स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस, मतलब तीन चीज मिलाती है, पहला स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस, सी ऑफ मारमरा और डार्डेनेस स्ट्रेट, तो इसको कनेक्ट किया हुआ मेडिटेरियन सी को ब्लैक सी से। एग्जाम में क्वेश्चन देता है ब्लैक सी को कौन कौन टच करता है, तो आपको यह याद रखना है। देखिए टर्की टच करता है, रशिया टच करता है, यूक्रेन टच करता है, रोमानिया टच करता है, इसको आपको जानना है। आप साथ में घर में भी आपका मैप होगा, जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इससे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आते हैं और ये गलत हो जाता है स्टूडेंट का। तो हम टर्की पे बात कर रहे थे। टर्की में एक लेक है जिसका नाम है लेक वान, ये वर्ल्ड का सॉल्टीएस्ट लेक अभी वर्तमान में है। और टर्की के इस साइड में टॉरस माउंटेन है और यहाँ पर पॉन्टिक माउंटेन है। टर्की जो है यहाँ पर एक प्लेटो है, अनातोलिया प्लेटो, और इसमें अंगोरा गोट, अंगोरा नाम की बकरी होती है, जिससे विश्व का सबसे अच्छा ऊन ऊल निकाला जाता है, तो वो वेराइटी जो है वो टर्की में ही पाई जाती है। इसके बाद ईरान और इराक, ये देखिए ईरान इराक है, और ईरान इराक बॉर्डर है, दोनों के बीच में काफ़ी वर्षों तक लड़ाई हुआ है। इराक में टिग्रिस और यूफ्रेट नदी है, ये दोनों नदी अलबसरा में मिल जाती है, अलबसरा एक पोर्ट है जहाँ मिल जाता है, जहाँ से सद्दाम हुसैन को पकड़ा गया था। और उसके बाद सतल अरब नाम से ये यहाँ पर एक बॉर्डर लाइन बनाती है ईरान इराक के बीच में, सतल अरब दोनों को बॉर्डर करती है। उसके बाद ईरान में आ जाइए, ईरान में देखिए अब्बादान, ये सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी है पूरे वेस्ट एशिया का, अब्बादान यहाँ, और इसमें लेक उर्मिया है यहाँ,
लेक कुर्बिया जो है वो पूरे वेस्ट एशिया का सबसे बड़ा झील का नाम है। ईरान में ही जेग्रोस माउंटेन है इस इलाके में, और ईरान में दस्त ए लूत और दस्त ए कबीर नाम का डेजर्ट है। इसके नॉर्दर्न पोर्शन में कैस्पियन सी है, कैस्पियन सागर करीब वाला पोर्शन, ग्रोजनी है थोड़ा सा बता दे रहे, जहाँ पर रोज लड़ाई होते रहता है चेचनिया विद्रोही वाला। इसके बाद सऊदी अरब में आ जाते हैं। सऊदी अरब देखिए इस इलाके में है, जो आप सुनते हैं ना कि अरब का कॉफ़ी बहुत अच्छा है, वो इस इलाके में खेती होती है सऊदी अरब वाला कॉफ़ी। यहाँ पर असीर हाईलैंड है, और यहीं पर है देखिए ऊपर में थोड़ा सा मक्का और मदीना, और मक्का मदीना जाने के लिए जो लोग पानी जहाज से जा रहे हैं भारत के मुसलमान, देखिए वो ऐसे रूट से यहाँ पर जिद्दा पोर्ट है इस जगह में, और जिद्दा में उतरते हैं, वहाँ से फिर वो चले जाते हैं। सऊदी अरब में रुबाल खाली नाम का डिजर्ट है और अननाफुद नाम का डिजर्ट है इस इलाके में। यहाँ से रियाद से लेकर के पूरा लिबनान तक उधर पाइपलाइन गया हुआ है। ये है यमन, यमन का भी कॉफ़ी बहुत फेमस है। यमन की राजधानी का नाम सना है, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पोर्ट का नाम है अडेन। तो ये वाला जो इलाका देख रहे हैं अरब सागर है, और यह रेड सी, रेड सी को अरब सागर से जोड़ती है स्टेट ऑफ बबल मंडप, याद रखना है आपको इस जगह पर है स्टेट ऑफ बबल मंडप, ये यमन है। यमन के ऊपर ये है ओमान, ओमान की राजधानी मस्कट है। और देखिए यहाँ पर इस जगह में, यहाँ पर ये तो अरब सागर है, और इधर में है गल्फ ऑफ पर्सिया, तो गल्फ ऑफ पर्सिया जो है और ये अरबियन सी है, ये दोनों को इसकी इस जगह से स्टेट ज्वाइन कर देती है। अब यहाँ पर गल्फ ऑफ पर्सिया के किनारे कौन कौन से देश है ऐसा पूछा जाता है, आपको याद रखना है। देखिए सऊदी अरब यहाँ दिख रहा है, और ये बहरीन छोटा सा देश है ये वाला, बहरीन, कुवैत, इराक, इराक भी थोड़ा सा टच करता है, ईरान भी टच करता है, और ये ओमान टच कर रहा है, ये यूनाइटेड अरब अमीरात है जहाँ पर सेवन सेकडोम से सेवन राज था, अभी आठवां राज्य भी वहाँ पर बन गया है। तो वहीं पर दुबई है, यहाँ की राजधानी है अबू धाबी, जो आप जानते होंगे अबू धाबी को। और देखिए यहाँ से कर्क रेखा पारित होती है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, ओमान से, यूएई से, सऊदी अरब से कर्क रेखा चली जाती है। और यहाँ पर स्वेज कैनल है, देखिए लाल सागर है ना, और यहाँ मेडिटेरियन सी है, ये दोनों के बीच में है स्वेज कैनल, तो इसको और इसको स्वेज कैनल जो है वो कनेक्ट कर देती है। तो स्वेज कैनल यहाँ से, स्वेज कैनल बनने के बाद जो यूरोपियन जहाज रहे होंगे उनको बहुत आसानी हुआ होगा इधर इंडिया में आने में, तो ये काफ़ी फ़ायदा उनको हुआ होगा। तो आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, बहुत ज़्यादा चीज़ हम आपको नहीं बताते हैं क्योंकि आपका टाइम भी बहुत कीमती है, और बहुत ज़्यादा हम एक ही चीज़ को बार बार बोलेंगे तो आप भी बोर हो जाइएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और भी कुछ जानना हो, अगर हमने वॉइस क्वालिटी को भी कोशिश किया कि अच्छा रखे, क्योंकि कई लोगों ने कमेंट कर रखा था कि इसके पहले की वीडियो में वॉइस क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं जा पाई, इसका हमें खेद भी करते हैं, इस बार ज़रूर अच्छा रहा होगा। तो अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे साउथ एशिया के बारे में, अफ्रीका के बारे में, कनाडा के बारे में, सभी चीज़ों की जानकारी डिटेल्स में देंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी की श्रृंखला चलेगी, प्लेलिस्ट में भी हमारा दिया हुआ रहेगा, आप प्लेलिस्ट खोल करके भी देख सकते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी को। हमसे ऐसे ही जुड़े रहिएगा, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।